नमस्कार दोस्तों, धर्म गंगा में आपका स्वागत है। सपने में मंदिर देखना शुभ है या अशुभ, इस सवाल का जवाब कई लोग जानना चाहते हैं कि अगर सपने में उन्हें कोई मंदिर दिखाई देता है तो उसके क्या संकेत होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई इंसान अगर अपने सपने में किसी भी देव या देवी के मंदिर के दर्शन करता है तो उसके क्या संकेत होते हैं और उसका उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है। आज के इस आधुनिक युग में कुछ लोगों का ये मानना है कि सपनों का हमारे वास्तविक जीवन या उनका हमारे भूत भविष्य या वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता, पर वास्तविकता में ये बात गलत है। हमारे पौराणिक ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्र में इस बात के साफ संकेत दिए गए हैं कि इंसान के सपनों का उसके जीवन से एक अहम जुड़ाव होता है और हर सपना कोई न कोई संकेत हमें देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में मंदिर देखना काफी शुभ माना गया है, पर ये निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का मंदिर अपने सपने में देखा है। सपने में अगर कोई मंदिर देखता है तो ये काफी शुभ माना गया है। मंदिर देखना इस बात का संकेत होता है कि आपका आने वाला जीवन सुखमय होने वाला है और आपके जीवन में आध्यात्म का प्रवेश होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंदिर वो स्थान होता है जहाँ पर हमें तन और मन दोनों की शांति मिलती है और हम अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे अपने जीवन में आने वाले दुखों और बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर किसी इंसान को सपने में मंदिर दिखता है तो ये इस बात का शुभ संकेत होता है कि उसका आने वाला जीवन काफी सुखमय होने वाला है और उसके वर्तमान में जो भी दुख पीड़ा और संकट चल रहे हैं उन सभी का नाश होने का वक्त आ गया है। अगर आपको भी अपने सपने में मंदिर दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके दुखों का अंत होने का समय आ गया है और आपके आने वाले समय में आपके भाग्य में उन्नति और प्रगति ईश्वर की कृपा से आने वाली है। सपने में शिव मंदिर देखना काफी शुभ माना गया है और ये इस बात का संकेत है कि आप या आपके परिवार में अगर कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है या आपके जीवन में धन की कमी है और काफी परिश्रम और मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में प्रगति नहीं आ रही है तो उन सब के अंत होने का अब समय आ गया है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को सपने में हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होते हैं तो इसे भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री राम भक्त हनुमान हर संकट का नाश करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान को सपने में माता के मंदिर या देवी के मंदिर के दर्शन होते हैं तो इसे भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है और ये इस बात का संकेत है कि अगर आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा है जो आपके कार्य या जीवन के प्रगति में बाधा डाल रहा है तो उसके अंत का समय आ गया है। और अगर आपको सपने में माता के मंदिर के साथ ही साथ माता की मूर्ति के भी दर्शन हो तो ये भी इस बात के संकेत देते हैं कि आपके जीवन में कोई नया साथी आने वाला है या परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होने वाला है जो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।